जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बंपर जीत मिली है, जबकि उसके साथ गठबंधन में लड़ रही कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर सिमट कर रह गई है। कभी जम्मू कश्मीर में फ्रंट फुट पर रहने वाली कांग्रेस आज सपोर्टिंग रोल में आ गई है। राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट यहां सिर्फ 15.4% का रहा। बीजेपी भी जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना रही, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट कांग्रेस से कहीं ज्यादा है। 29 सीटें लाकर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। कांग्रेस भी कहेगी कि वो सरकार में है, लेकिन उस सरकार में कांग्रेस किस वक्त नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की जीत में भी कांग्रेस की हार है, इसके पीछे का आंकड़ा देख लीजिए। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई। बीजेपी को 29 सीटों पर जीत मिली, पीडीपी को 3 सीटें मिली, जेपीसी, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी के खाते में एक एक सीटें गई हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को 7 सीटों पर जीत मिली है। कभी जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनाने वाली कांग्रेस केवल 6 सीटों पर जीती। जो कांग्रेस कभी जम्मू कश्मीर को लीड करती थी, फ्रंट फुट पर बैठती थी, जो तय करती थी जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, आज वो सपोर्टिंग रोल में आ चुकी है। कांग्रेस अगर गठबंधन में नहीं होती तो उसके लिए एक भी सीट जीतना मुश्किल होता। 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आए और 8 अक्टूबर को ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से सीएम के नाम का ऐलान कर दिया गया। उमर अब्दुल्ला के हाथों जम्मू कश्मीर की कमान सौंप दी गई। मैं समझता हूं उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बने। 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हो और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम है। मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। उमर अब्दुल्ला की दावेदारी इतनी मजबूत क्यों है? कांग्रेस सिर्फ सपोर्टिंग रोल में क्यों आ गई है, जरा ये भी समझिए। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से एक बड़गाम है और दूसरी गांदरबल। अब्दुल्ला ने दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की है। बड़गाम में उमर अब्दुल्ला को 36,010 वोट मिले हैं, जबकि इनके सामने पीडीपी के सैयद मुंतजिर 17,527 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। दूसरी सीट गांदरबल में उमर को 18,193 वोट मिले, जबकि वहां से पीडीपी के बशीर अहमद मीर 12,745 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा कि आखिरकार दोबारा 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में एक जमहूरी निजाम कायम होगा। मैं उन तमाम वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने इन 3 फेजों में बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं बिलखसूस उन वोटरों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब किया है। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला खुद बड़ी पार्टी बन गए हैं, सरकार बनती दिख रही है। अगर कांग्रेस का साथ ना भी रहा तब भी निर्दलीय उम्मीदवारों को जोड़कर सरकार बनाते दिख रहे हैं। कांग्रेस 39 सीटों पर लड़ी और केवल 6 सीटें जीत पाई। राहुल गांधी की पार्टी का स्ट्राइक रेट रहा केवल 15.4%। जम्मू रीजन में बीजेपी ने कांग्रेस का बेस खत्म किया और वैली रीजन में एनसी ने कांग्रेस को पनपने नहीं दिया और इस तरह कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर सिमट कर रह गई है। कांग्रेस का बेस खत्म हुआ तो पीडीपी भी चुनावी नतीजों में हाशिए पर है। जम्मू कश्मीर में इससे पहले पीडीपी की सरकार थी,
महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी। पार्टी ने परचम लहराया था, लेकिन इस बार के चुनाव में सबसे बुरा हाल पीडीपी का रहा। महबूबा मुफ्ती की पार्टी को 90 में से सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी चुनाव हार गई। इल्तिजा का यह पहला चुनाव था, वो शेगुल फवारा बिज बेहरा सीट पर चुनाव लड़ रही थी। इल्तिजा मुफ्ती को 9,770 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इल्तिजा को 23,529 वोट मिले थे। वहीं इनके विरोध में लड़ रहे बशीर अहमद शाह को 33,299 वोट मिले। उनसे यही अपील करूंगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं है। अब विक्ट्री लोगों की च्वाइस है, आपको लोगों की च्वाइस, जो उनकी मर्जी है उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। जमहूरियत में तो यही होता रहता है। दस साल के बाद हुए चुनाव में जम्मू कश्मीर की दो बड़ी पार्टियां पीडीपी और कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुपाई। जनता ने दोनों को ही सिरे से नकार दिया। कांग्रेस और पीडीपी काफी पीछे रह गई। जम्मू कश्मीर में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभर कर सामने आई है। बीजेपी को इस चुनाव में 29 सीटें मिली। जम्मू रीजन में बीजेपी पहले भी मजबूत स्थिति में थी। जब जम्मू रीजन में सीटें कम थी तब भी बीजेपी 25 से 26 सीटें जीतती आई है। इस बार 90 सीटों में से 43 सीट जम्मू रीजन में और 47 सीट कश्मीर रीजन में है। जम्मू में सीट बढ़ने से लग रहा था कि बीजेपी का ग्राफ तेजी से अप होगा, लेकिन जम्मू की 43 सीट में से 13 सीट मुस्लिम बाहुल्य है। वहाँ बीजेपी का असर ज्यादा नहीं दिखा, यानी हिंदू बाहुल 30 सीटों में से ही बीजेपी ने इतनी सीट निकाल कर दिखाया कि जम्मू के हिंदुओं पर उसका होल्ड कांग्रेस से बहुत ज्यादा है। हिंदू बहुल सीटों पर बीजेपी को जमकर वोट मिले, लेकिन कश्मीर रीजन में बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया। 2014 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी सभी 25 सीटें जम्मू से ही जीती थी। ऐसे में जम्मू में अपने बलबूते सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 30 से 35 सीटें जीतना जरूरी था। भले ही बीजेपी की सरकार ना बन रही हो, लेकिन 29 सीटें लाकर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। हमने अच्छा परफॉर्म किया है, जो 90% सीटें हमने जीती हैं। जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा लगभग 10% से भी नीचे का रहा। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान जम्मू में बंद हो गई, ऐसा मुझे लगता है। एक राष्ट्र के तौर पर कश्मीर में चुनाव करवाकर बीजेपी ने दुनिया को संदेश दे दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ भारत के लोकतंत्र पर मुहर लगाई। कई दशकों से जम्मू कश्मीर में चुनाव आतंक के साए में होते थे, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव में कोई बॉयकॉट नहीं हुआ। वोटिंग भी जमकर हुई, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। इसलिए बीजेपी भले ही सरकार ना बना रही हो, लेकिन सुरक्षित चुनाव करवाकर उसने आने वाले समय के लिए बड़ा मुद्दा जरूर तैयार कर लिया है।